भारी बारिश से नैनीताल इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं। इसके बावजूद जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य रेसलिंग कार्यक्रम में व्यस्त नजर आईं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नैनीताल जिले में भारी बारिश के बाद सरकारी संपत्तियों को बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी खतरे की जद में आ गया है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करना छोड़ जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी में रेसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ कर उसका आनंद ले रही हैं। जब प्रभारी मंत्री रेखा आर्य से पूछा गया कि आप रेसलिंग में तो आई और आपके जिले में इतनी बड़ी आपदा आई है, उसका निरीक्षण नहीं किया, इस पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्य मीडिया की बातों का बचाव करते हुए गोलमाल जवाब देते हुए नजर आई। आपदा के समय में भी प्रभारी मंत्री रेखा आर्य द ग्रेट खली के प्राइवेट शो का शुभारंभ करने पहुंच गईं, लेकिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। इसी तरह के लोगों के कारण सरकारें अक्सर बदनाम हो जाती हैं। अधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसकी उसका संज्ञान लूंगी, ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।